हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं अफराज और आज चलिए बनाते एक बहुत ही छटपट सी फटाफट सी रेसिपी विद प्रॉन्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉन्स फ्राई की, द वन ऑफ द मोस्ट ईटन रेसिपी इन अ मालवानी रेस्टोरेंट। जब भी मैं जाता हूँ मैं इसे ऑर्डर करता ही हूँ एंड आई जस्ट लव टू हैव दिस। तो सोचा कि आज आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेता हूँ। और एक बात, इस रेसिपी के दौरान मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। सवाल का सही जवाब देने वाले को टाटा संपन्न की ओर से मिलेगा एक एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर। प्रॉन्स यहाँ पर है मेरे पास जंबो साइज के, जिसे मैंने अच्छे से क्लीन और डीवेन करके रखा हुआ है, विच हैज बीन वॉश ट्वाइस थ्राइस। तो अच्छे से इसे धोने के बाद पैट ड्राई कर लीजिए, कोई भी मॉइस्चर नहीं चाहिए हमें इसमें। और अब बारी आती है इसे फर्स्ट मैरिनेट लगाने की। इसमें डालूंगा मैं सॉल्ट और हल्दी। अब इस हल्दी की खासियत ये है कि इट कम्स फ्रॉम सेलम तमिलनाडु से, और जो इसका कर्क्यूमिन परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, विच गिव्स अ वेरी नाइस डीप ऑरेंज कलर। सो ये इसके अंदर आ गया। अब डालेंगे लेमन। सो बेसिक मैरिनेट जो कोई भी सी फूड को लगाना ज़रूरी है, सॉल्ट, लेमन जूस एंड टर्मरिक, दैट्स इट। अच्छी तरह से इसे एक बारी मिक्स कर लूँगा मैं। और प्रॉन्स आप जब भी लो मेक श्योर यू टेक द फ्रेश प्रॉन्स, अच्छी क्वालिटी के हो। इसे मैं रख देता हूँ साइड में और लेते हैं एक बड़ा सा बोल। उसमें मैं डालूँगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, सम रेड चिली पाउडर फॉर द हीट। तीखा खाना अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो रेड चिली पाउडर। इसी के साथ हल्दी, सॉल्ट, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला, और थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगा मैं। तो सारे मसाले आ गए। सम मोर लेमन जूस गोइंग इन, ढेर सारा चॉप्ड कोरिएंडर फॉर द फ्रेशनेस। और चलिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मैरिनेट को। और इसमें अब जाएंगे ये जो मैरिनेटेड प्रॉन्स है वो। There you go. अब इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट कर लेना है हमें, ताकि हर एक प्रॉन का पीस जो है वो मसाले से कोट हो जाए। अब देख सकते हैं जो मैरिनेशन है वो काफ़ी ड्राई है, इट्स नॉट वेट। तो ऐसा ही रखना है हमें इसे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो मसाला है वो अलग ना हो। अब आप चाहो तो इसे रख सकते हैं इन द रेफ्रिजरेटर टू मैरिनेट फॉर अराउंड 20-25 मिनट्स। जितना ज़्यादा मैरिनेट करोगे उतना अंदर प्रॉन्स के मसाला जाएगा एंड इट विल टेस्ट मोर ग्रेट। और एक बात, अगर आपको इसी तरह से फ्राई करना है तो आप इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं, या तो यू कैन ऐड लिटिल सेमोलिना एंड राइस फ्लावर, जो कि मैं करूँगा। तो हल्का सा क्रिस्पनेस आ जाएगी इन प्रॉन्स में, इट विल गिव अ नाइस टेक्सचर एंड माउथ फील, और हल्का सा चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। तो प्रॉन जो है हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया, चलिए इसे पका लेते हैं। तो पैन ऑन हीट, और अब इसमें जाएगा ऑयल। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है प्रॉन्स की एंड दे आर गेटिंग कुक्ड परफेक्टली। ज़्यादा भी नहीं हमें पकाना प्रॉन्स को, बिकॉज जब वो टफ हो जाता है तो इट बिकम्स चीवी, इट हैज़ टू बी नाइस एंड जूसी फ्रॉम इनसाइड, और हल्का सा क्रिस्प करेंगे बाहर से। तो इसे फ्लिप कर लेता हूँ मैं। एज यू कैन सी दे हैव गॉट अ नाइस लवली कलर ऑन टॉप। तो प्रॉन्स आप देख सकते हैं बढ़िया से पक के तैयार है, फ्राई हो चुके हैं एंड इट्स टाइम टू सर्व देम। यहाँ पर मेरे पास है कुछ भाकरी मेड विद राइस फ्लावर, और चलिए प्रॉन्स को सर्व कर लेता हूँ फटाफट से। तो प्रॉन्स तो सर्व हो गए। मैंने कहा था मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। सवाल ये है
कि आज जो मैंने हल्दी यूज़ की है उसकी खासियत, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और सही जवाब देने वाले को टाटा संपन्न की ओर से मिलेगा एक एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर। एंड नॉट टू वेट दिस फ्लेवर्ड ऑयल, अगर आप हेल्थ फ्रीक हो तो यू कैन अवॉइड, बट अगर इतना बढ़िया आप प्रॉन्स फ्राई खा रहे हो तो थोड़ा फैट जो है फ्लेवर्ड ऑयल वो इसके ऊपर मैं डाल दूंगा। फाइनली इसे गार्निश कर लेंगे विद सम कोरिएंडर स्प्रिग्स, थोड़े से स्लाइसेस अनियन के और एक लेमन वेज। तो लीजिए गर्मा गर्म प्रॉन्स फ्राई तैयार है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं भाकरी के साथ, स्टीम राइस के साथ और विद दाल राइस। आपको भी अगर ये ट्राई करना है तो ज़रूर अपने घर पे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि ये कैसी बनी। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल संजीव कपूर खजाना।